हेलो, गुड मॉर्निंग। मज़ा आ गया कल तो, मुझे मज़ा आ गया देखकर भैया, मज़ा आ गया। यही मैं चाहती थी। और कैसा लगा? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। देखो, गिव एंड टेक का रिश्ता होता है हर चीज़ में, हर रिश्ते में गिव एंड टेक का। जैसा दोगे वैसा लोगे। और ऊपर से कहती है, मैंने इंस्टाग्राम पे नंबर डाला, फ़ोन कर झूठी, मेरी केवल आईडी में प्राइवेसी लगी हुई है, तू क्या कोई भी आईडी नहीं खोल सकता। बस तेरा तूने मेरी आईडी पे जो फ़ोटो लगा हुआ था वो दिखा दिया, इतनी जल्दी 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 घुमा दिया। तुझ जैसी को ना चलाती हूँ, मेरी 52 साल की उम्र है, 50 की नहीं, 8-10 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है 62 साल की उम्र में, समझी। तू जैसे लोगों को चलाती है, मैं चलाती नहीं हूँ। तूने इतनी जल्दी भगाया, कोई देख नहीं पाया, मेरा केवल मेरा नंबर डाल कि तूने मुझे फ़ोन करा था। मैंने कहा था मेरा नंबर डाल कि तूने मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग, मेरी आईडी खोल ही नहीं सकता कोई। और तेरे लिए नंबर बांटना आम बात होगी, मेरे लिए नंबर बांटना आम बात नहीं है। मेरा नंबर VIP नंबर है, मैं हर एक को नहीं दे सकती, समझे। तू बांटती रहे नंबर, मैं नहीं बांटती, मैं खुला कह रही हूँ। तू आ मेरे शहर में और मैं आऊँगी। देख, मैं खुला कह रही हूँ, मैं आऊँगी और मैं देख तुझे वीडियो बना कर भेजूँगी। मैं तुझे फ़ोन तो नहीं करूँगी, वीडियो बना के भेजूँगी, जगह की बना दूँगी, वहाँ के लोगों से को बुलवा दूँगी, फिर तू आना। खुला बोल रही हूँ, तू है छिचोरी, हमारे यहाँ कहते हैं छिचोरी। देख, तू कल भी ऑफिस की ड्रेस में थी, तू करती है 10-12-15 हज़ार के लिए नौकरी, समझी। तू कल भी ऑफिस की ड्रेस में थी और आज भी ऑफिस की ड्रेस में थी। देख, तू ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाती है, तो घर क्या नहीं दिखाती तू, क्योंकि घर में तू कहाँ रहती है मुझे पता है। मैंने नाम डाला है कल, मैंने बहुत कुछ कल आंसर उसमें डाला है कमेंट बॉक्स में तेरे, तू समझ गई होगी, खुल के नहीं बहुत आया है मैंने। तू घर का वीडियो है ही नहीं तेरा, घर दिखाती नहीं है, क्योंकि तू तो एक खुद गाँव में रहती है, समझ में आ गई। तू ऑफिस का वीडियो डालती है, ऑफिस का दिखाती है ऑफिस में, या किसी के घर बैठी होती है ऑफिस में, कुत्ते पल रहे होते हैं वो गोद में ले लेती है, ऑफिस का दिखाती है। घर, बच्चे, हस्बैंड कहाँ है? नहीं है। एक तरफ तो कह रही है कि मेरा आईडी का नाम सायरा जी को लेना नहीं आया, मेरी आईडी भी सायरा जी को नहीं पती। जब मैं सायरा जी के साथ काम करती हूँ तो मेरी आईडी सायरा जी को पता होना चाहिए, उन्हें कैसे पता चलेगी? मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ, मिलूँगी बहुत जल्दी मिलूँगी, ऊपर वाले ने चाहा तो उनसे भी जाकर। वो ना मुझे जानती है ना मैं उन्हें जानती हूँ। कहीं तो ये कहती है तो वो मुझे नहीं जानती, एक दूसरे को ये जानते नहीं है। कहीं तो ये कहती है कि मैं उनके साथ काम करती हूँ, तेरी बातों में झूठ छलकता है। तू कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। फट्टू कहीं कि फट्टू मैं नहीं, फट्टू तू है। तेरे सामने आके मुंह तोड़ जवाब किसी ने दिया है, कठियावाड़ी छोरी ने दिया है या मैंने दिया है? बाकी तो तेरी ये करती हूँ, समझ गए। मैं नहीं करती, मैं जो सही को सही कहूँगी, गलत को गलत कहूँगी, जो प्रेजेंट में मुझे दिख रहा होगा वो कहूँगी। पास्ट में क्या है, तू पास्ट पे जा रही है। कल तो मुझे मज़ा आ गया तेरी वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया लगा, समझे। मैं इसलिए नहीं, मैं तो जैसे घर में होती हूँ वैसे बैठती हूँ, नहा के पूजा करके सुबह को बैठ जाती हूँ, तुझ जैसे को रोने के लिए, बस, समझ गई। हाँ, और अच्छे होते हैं तो अच्छों के साथ वीडियो बनाती हूँ। तू कहती है मेरी जूती भी ना जाए उनके घर पे, वैसे तो पता निकालती रहती है कि कैमरे नीचे को लगे हैं, कैमरे ऊंचे को लगे हैं, कैमरे उसको लगे हैं। अरे, जो पसंद नहीं होता उसे तो अवॉइड कर देता है इंसान। जिस पेड़ के आम नहीं खाने होते ना, उस पेड़ की तरफ तो इंसान देखता भी नहीं है। तुझे उनसे बहुत गहरा तेरा रिश्ता है, और क्या रिश्ता है कल की वीडियो में मैंने बता दिया था। उन्होंने तुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए तू उनसे छिड़ती है, इसलिए तू उनके लिए बुरा बोलती है। सत्तानी फैमिली ने तेरे पीछे शिकंजा ऐसा कसा कि तू ऐसे हो गई, ऐसे करके तब तूने उनका नाम लेना छोड़ा, समझी। फिर बार बार कह रही हूँ कल मुझे बहुत मज़ा आ गया। कहती है, कभी कहती है फ़ोटो डालकर मेरे व्यूज़ भी ले रही है, फ़ोटो डालना बंद करा तो अब मेरी वीडियो बना के व्यूज ले रही है। वाह भाई वाह,
तू कुछ भी किसी को बोलती रहे, कुछ भी कहती रहे, उसे भी कहती रहे, उनके बच्चों को भी बोलती रहे, तुझे कोई कुछ ना कहे, तुझे कोई कुछ कहे तो वीडियो डाल के व्यूज ले रही है। तू औलाद का दर्द जानती क्या है, समझ गई? हर हर बात में चित भी तेरी पट भी तेरी। ये मुझे फोन कर, मैं तुझे फोन करूंगी ताकि मेरा नंबर तेरे पे पहुंच जाए। तुझ जैसी को सड़क छाप को, तुझ जैसी को मैं फोन करूंगी। चल हट, तुझ जैसी को तो मेरा घर में काम वाले भी नहीं आते, कपड़े पहन के सब कुछ करके। मुझे तेरी असलियत पता है, समझे? तू उन लोगों को बेवकूफ बना सकती है जिन्हें तेरी असलियत नहीं पता। मैंने यहाँ बैठे बैठे तेरी सारी कुंडली खंगाल ली है, समझे? तू बोलती जा और मैं तेरे पत्ते खोलती जाऊंगी, एक एक पत्ता। कोकड़ मांझी याद आया कुछ? कोकड़ मांझी, और ये भी पता है कहाँ पकड़ी गई थी तू और क्या करते हुए पकड़ी गई थी? आगे बोल, मैं भी पत्ते खोलूंगी। बहुत कुछ है मिला है मुझे, और देख यहीं बैठे बैठे सब निकलवा लिया। ऑल इंडिया, फिर मैं तुझसे कहती हूँ, ऑल इंडिया में मेरी जान पहचान है, यहीं बैठे मैंने सारे पत्ते खोल दिए। तू कहाँ पकड़ी गई थी और क्या करते हुए पकड़ी गई थी, और क्यों तुझसे आज सब दूर हैं, समझ जा। रहने दे, मत खुलवा मेरा। तू बुकिंग करके कहाँ जाती है सबको पता है, जैसा तू बोलेगी तुझे वैसा ही जवाब मिलेगा। और देख, फट्टू नहीं हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ कि सामने वाले के हलक में हाथ डालकर ना उसकी जवान खींच लूँ, और तू सामने नहीं है, तेरे कपड़े उतार रही हूँ अच्छी तरीके से। तूने तो झूठ बोला और मैं तेरी सच्चाई बोल रही हूँ। आ रही है 25 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद आउट ऑफ इंडिया से बच्चे मेरी आ रही है, और देख वीडियो में लेके आऊँगी। तू तो पैर की धौन भी नहीं है, तू तो ज़िंदगी में नहीं बन सकती। कहने को कुछ भी कह दूँ, कह दे तू, तेरे कहने से क्या होगा? प्रूफ डाल। तू बहुत खेलती है ना, तेरा एक तो धंधा तेरा है वही जो मैंने कल बताया था, दूसरा धंधा है तेरा कि लोगों की ऑडियो और वीडियो लेना फिर उन्हें ब्लैक करना। तू बहुत ऑडियो ऑडियो खेलती है, तू बहुत रिकॉर्डिंग खेलती है। चल आज मैं तेरे साथ खेलती हूँ प्रूफ। तू प्रूफ डाल, मैं प्रूफ डालूंगी। चल तू खेलती है रिकॉर्डिंग, मैं प्रूफ खेलती हूँ। तू लोगों की रिकॉर्डिंग करती है, तू लोगों की वीडियो बनाती है और फिर तू उन्हें ब्लैकमेल करती है। तेरा ये काम है, मेरा ये काम नहीं है, समझे? मैं तेरे आई नहीं झांसे में, लोग तेरे झांसे में आ गए लोगों की बीमारियों के नाम पे अपने अकाउंट पे पैसा इकट्ठा कराती है, तेरी शर्म नहीं आती? अरे तू तो कहती है मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, तू खुद ही खर्च कर दे। तूने लोगों से अपने अकाउंट पे पैसा पड़वाया, अब गोल हो गई। जो लोग सही थे, जो तुझे जान गए, उन्होंने तुझे कमेंट किए गलत उल्टे सीधे, तू चुपचाप बैठ गई, उनके बारे में बात नहीं करती। कहाँ चली गई कैंसर की मरीज जो बेचारी, जिसे तू अपने काम वाली बता रही थी, तूने अपने अकाउंट पे पैसे पड़वाए हैं। तू गंदा बोलती है तो तेरा हाई स्टैंडर्ड, दूसरा बोलता है लो स्टैंडर्ड। वाह भाई वाह, समझ में आ गया? दूसरा बोलता है तो लो स्टैंडर्ड, तू बोलती है तो हाई स्टैंडर्ड। और तू जैसा बोलेगी, मैं फिर कह रही हूँ, वैसा ही जवाब तुझे मिलेगा। तू गंदी थी, गंदी है और गंदी रहेगी, समझ में? गंदी औरत है तू, तू 40-42 साल की औरत है, समझ में आया तेरे? तू झूठी हंसी कब तक हंसेगी, क्योंकि तेरे चेहरे से साफ झलकता है कि तू झूठी हंसी हंसती है, तू सायरा जिसे जलती है। झूठी हंसी तेरे साफ चमकती है, क्योंकि ऊपर वाला भी तेरे ऊपर हंस रहा है, दिल खोल के हंस रहा है, और हम भी हंस रहे हैं। मैं तुझे कॉल करूं ताकि मेरा नंबर तुझ पे पहुंच जाए? चल बस, तू ही सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। जो भी बात तू कहती है सच कहती है, जिसके बारे में तू कहती है तू सच कहती है, समझे? चल हट यहाँ से, तेरे तू कह रही है अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तेरी हिम्मत नहीं है, तू क्या वीडियो बनाएगी फट्टू? आज चल वीडियो बना और तुझे देख, जैसा तू कहेगी तुझे वैसा ही जवाब मिलेगा। कोई कहता है मैं 50 साल की हूँ, कोई कहता है मैं 55 साल की, कोई कहता है मैं 60 साल की, मैं कितने भी साल की हूँ, मुझे किसी को परोसना नहीं है। कपड़े पहन के बैठ के आके मुझे परोसना नहीं है, मैं जैसी हूँ अपने घर के लिए, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने मुझे छूट दे दी है। मम्मी जैसा जवाब दे कोई, उसे मुँह तोड़ जवाब देना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, शुरू में मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं एक पारिवारिक हूँ। अब मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया, बोले अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन से बच्चे ब्याह, शादी हो गई, बच्चों की मस्त है, बच्चे कोई परेशानी नहीं है। आज तुझे बोलूँगी, तेरी खाल उधेड़ दूंगी अपने हाथों से, अपनी बातों से तेरे देख क्या हाल करती हूँ। तू रात को 2-3 बजे वीडियो बनाती है ना, समझ? तू कहाँ होती है 2-3 बजे वीडियो बनाती है? मैं सुबह को बनाती हूँ, रात को तो 8-9 बजे के बाद मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, समझ में आई? और अपनी ऑडियंस को मैं सलाम करती हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए मेरा ये, और मिलती हूँ मैं आपके फिर एक वीडियो के साथ। अगर ये आती है तो इसे फिर मैं जवाब दूंगी और बहुत अच्छे अच्छे पत्ते खोलूंगी। अब मैं ऐसी बात बताऊंगी कि
कि आप कानों पे हाथ रख लेंगे, मुंह पे हाथ रख लेंगे। ओके बाय।